नमस्कार, फस्को सिंधी पे आपका स्वागत है। दक्षिण का द्वार कहा जाता है कर्नाटक। कर्नाटक चुनाव के जब नतीजे आए तो ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी को फुल फ्लेजेड बहुमत मिल जाएगा, शुरुआती रुझानों में ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 104 पर जाकर के पार्टी रुक गई और फिर उसके बाद हंग असेंबली की सिचुएशन आके सबके सामने खड़ी हो गई। उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी को राज्यपाल की तरफ से बुलाया जाएगा या JDS और कांग्रेस का जो एक पोस्टपोल गठबंधन बना उसको राज्यपाल बुलाएंगे। लेकिन राज्यपाल ने येदुरप्पा को बुलाया और येदुरप्पा ने शपथ भी ले ली है। लेकिन आगे आने वाली सिचुएशन क्या होगी? क्या वो मेजॉरिटी प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस और JDS की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। ठीक ऐसा ही एक वाकया करीब 18 साल पहले बिहार में हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव के सामने थी NDA, यानी लोक समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों ने RJD के सामने चुनाव लड़ा और जो टोटल बहुमत चाहिए था उस बहुमत में सबसे ज़्यादा सीटें, 124 सीटें, वो RJD के पास थी, जबकि सामने NDA के पास तीनों पार्टी मिलाकर के 122 का ही बहुमत आया था। नीतीश कुमार गवर्नर के पास पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने उनसे कहा कि हम बहुमत साबित कर सकते हैं। उन्होंने कुछ और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी समर्थन बताया और इंडिपेंडेंट्स का भी कुछ समर्थन उन्होंने गवर्नर के सामने बताया, लेकिन वो फिर भी बहुमत के करीब नहीं पहुंच रहा था। लेकिन गवर्नर ने फिर भी उन्हें बुला लिया। करीब 7 दिनों तक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा बिहार में चला, लेकिन लालू यादव ने अपनी पूरी पॉलिटिकल चालों के जरिए एक भी अपना विधायक टूटने नहीं दिया। और फिर नतीजा देखिए कि कुछ ही दिनों बाद राबड़ी देवी फिर से बिहार की मुख्यमंत्री बनी, यानी केंद्र में NDA की सरकार रहते हुए भी राज्य में लालू यादव को लोग पटकनी नहीं दे सके। ठीक वही समय अगर आज JDS और कांग्रेस याद करें तो उनके लिए एक आदर्श समय हो सकता है और उससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर यही खबर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो फस्फोस हिंदी के लिंक पर जाकर के आप ये खबर खोल करके इस खबर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आखिर लालू ने ये पॉलिटिकल कारनामा कैसे कर दिखाया था।